And thank you to members of the media for being here. Just like this. So I said, you do know that this, just like this, is me. So I became financially independent and I bought my first diamond. I think for me that would be the most memorable way. Of course, there are other special occasions that come up in life that add so much value to your experiences. My husband proposed to me. Yeah, he proposed to me with a ring, with a diamond ring. Lovely. So a versatile set like the one I'm wearing right now would be something that I would very easily gravitate. Why should a customer buy a Forever One diamond? Oh, well, it's actually very simple. I think it's so important as customers to know the source of where your diamonds are coming from. The fact that they're so key for every customer to be aware of where and how. What do you think about this new collection by Punjabi Saraf? It's beautiful. It's really, really intricate. And about the second I'm wearing today. Madam, neither say. This is Ajay Adal. Athens and Athens are really अभी आपने जो दो फिल्में बनाई है उसको क्या संदेश दिया जी लव ब्रेक ऑफ जिंदगी में एक स्लाइस ऑफ लाइफ कमिंग ऑफ एज फिल्म थी वो रोमांटिक कॉमेडी के उसमें और आई थिंक उसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें हमने जानी की उनमें से एक जिस तरह के किरदार लिखे गए थे स्पेशली लड़कियों के किरदार इंडिपेंडेंट वर्किंग अपने मन को समझ के आगे बढ़ने का जो एक एस्पेक्ट उठाया गया इस फिल्म में हमको एक्चुअली पीटा से अवार्ड भी मिला था क्योंकि वी शोड द अडॉप्शन ऑफ होमलेस एनिमल एक कस्टम है हमारे देश में कि अगर कोई बड़ा बुजुर्ग परिवार में गुजर जाता है तो हम शादी रोक देते हैं शादी नहीं करते और फिल्म में एक सवाल उठा था कि जो अगर वो बुजुर्ग हमसे प्यार करता हो और चाहता हो कि हम ये दो जो लोग साथ आ रहे हैं वो साथ आए उनकी शादी हो तो वो कभी नहीं चाहते कि उनकी वजह से शादी रुक जाए तो ऐसी छोटी छोटी देखिए एक फिल्म ऐसा नहीं होता कि फिल्म पूरे मुद्दे में एक ही बात कुछ कह जाए एक फिल्म में आप काफ़ी कुछ कह सकते हैं मनोरंजन के द्वारा
तो और बॉडी जस्टिस में हमने एक मुसलमान लड़की को पोस्ट 35 इंडिपेंडेंट दिखाया कि उसकी एम्बिशन है, उसकी एस्पिरेशन है, वो अपने मोहल्ले की प्राइवेट नंबर वन प्राइवेट डिटेक्टिव बनना चाहती है, और किस तरह जो समाज में लड़कियों को लेकर या एक कम्युनिटी को लेकर स्टीरियोटाइप्स सेटल हो जाती हैं में या फॉर्म हो जाती हैं, उनको शायद किसी न किसी तरह बॉबी जासूस ने एड्रेस किया और तोड़ा, और उनको बहुत सम्मान और प्यार मिला, उन मुद्दों को उन मुद्दों के बारे में चर्चा भी हुई जब फिल्म रिलीज हुई, और विद्या बालन के काम को बहुत सराहाया गया। राजकुमार हिरानी जैसे इंसान फिल्म बना रहे होते तो वो कहानी सच्चाई में जुड़ी होगी। बट एक तो बात यह है कि जब किसी भी आर्टिस्ट को राजीव रानी जैसे डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिलता है तो बहुत बड़ी बात होती है। मैं उनके साथ पहले भी काम कर चुकी हूँ, लगे रोल मना भाई हैं, और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं उनके साथ फिर से काम करूँ। तो फिल्म में जब मैंने फिल्म की स्क्रिप्ट सुनी तो बहुत खुशी महसूस हुई, क्योंकि मैं संजीव सर को जानती हूँ, और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि एक फिल्म के जिंदगी पे नहीं बन सकती। आपको अगर संजय दत्त की ऊपर फिल्म बनानी हो तो बहुत सारे आप बना सकते हैं, क्योंकि उनके जिंदगी में इतने चैप्टर्स हैं जो अपने खुद में ही असीम है। देयर सो सो इंट्रिकेट एंड कॉम्प्लिकेटेड एंड देयर सो मच टू हिम दैट इट्स इम्पॉसिबल टू टेल हिज स्टोरी एंटायरली। लेकिन मैं इस बात को विश्वास से कह सकती हूँ कि जो मुद्दा राजीव रानी जी ने चुना है और जिस तरह से उन्होंने ये फिल्म लिखी है, ये लोगों को बहुत पसंद है। जब आपने ये मेरा 17वां साल है फिल्म इंडस्ट्री में, मैंने बहुत कम उम्र में काम करना शुरू किया था। मैं 19 साल की थी जब मैंने अपनी पहली 5 फिल्में साइन की, और बहुत जल्दी मैंने बहुत काम किया। आई थिंक एक समय की बात थी जब मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया और जो फिल्म मेकिंग का जो प्रोसेस है उसकी गहराई समझने लगी, तो मुझे ये एहसास होने लगा कि आई हैव टू बी मोर सेलेक्टिव अबाउट द वर्क दैट आई चूज, एंड आई वांट टू वर्क विद पीपल हु आई रियली रिस्पेक्ट एंड आई जेन्युइनली केयर टू वर्क विद। तो देन सो इट्स नॉट अबाउट द ऑनेस्ट ट्रूथ है, अगर मुझे कोई कमाल के ऑफर्स, कोई कमाल के डायरेक्टर से मिलते तो मैं सबको हाँ कहती। मेरी खुद ही प्रश्न होगी कि मैं उनको ना बोल बैठूंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जैसे कि मैंने पहले कहा, हमारे इंडस्ट्री में भी बहुत स्टीरियोटाइप्स हैं। लड़की की शादी हो जाती है तो उनको लगता है उसमें काम करना बंद कर दिया, लड़की प्रोड्यूसर बन जाती है तो लोग समझने लगते हैं कि इसको अभी एक्टिंग नहीं करनी है। तो हमको अगर ये स्टीरियोटाइप्स तोड़ना है तो हम अपने काम के जरिए ही ये तोड़ सकते हैं। तो आज जब मैं राजू सर की फिल्म कर रही हूँ तो अभी वापस फिल्मों के ऑफर्स, अच्छी ऑफर्स आने लगी हैं, तो होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर या बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर आई एम डूइंग मेनी मोर फिल्म्स। वो ऐसी जगह है जहाँ पर मुझे समझ आ गया है कि क्या करने से मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है, और वो ये है कि जो सामाजिक परिवर्तन है उसका जो एहसास है कहानियों के द्वारा और काम के द्वारा लोगों तक पहुंचाना, कम्युनिकेशन के द्वारा। तो आपने अगर गंगा का सोलो मिर्जा देखी हो, जो हमारा फर्स्ट टेलीविजन शो था जिसमें हमने गंगा नदी के सोर्स से लेके समुद्र तक की जर्नी कायम की, दर्शकों तक ये बात पहुंचाने के लिए कि ना सिर्फ गंगा हमारे नाम है और इनकी जो प्रथा है, जो संस्कृति है, उनसे जुड़ी हुई रिलीजियस जो सेंटिमेंट है उनसे जुड़ा हुआ, उसके अलावा जो प्राकृतिक जो अनफॉर्चुनेटली उसमें प्रदूषण फैलाया गया है उस पर भी बहुत चर्चा किया हमने। तो लोगों में अगर हमको जागरूकता पैदा करना है और समाज में बदलाव के आना है तो वह हम कहानियों के द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि जो समाज से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं
उनको हम ले और हमारे द्वारा वो लोगों तक उनकी उसकी जानकारी पहुंचाए। हम समझते हैं कि हमारा जो वेलबींग है वो हमारे एनवायरनमेंट से जुड़ा ही नहीं है। हम भूल गए हैं कि जो अगर हवा पानी खाना साफ ना हो तो फिर पैसे का कोई मतलब नहीं। इंदौर आपने महसूस किया जो मैं इंदौर आई, मैं जब एयरपोर्ट से होटल जा रही थी तो जब मैं गाड़ी की खिड़की के बाहर देख रही थी और हरियाली दिखाई दी, सफाई दिखाई दी, मैं ढूंढ रही थी, मुझे प्लास्टिक का कूड़ा नहीं दिख रहा था। हर जगह आजकल हर जगह प्लास्टिक पहुंच रहा है, हमारे नदियों में, हमारे गांव में, हमारे शहरों में, हमारे जंगलों में, हमारे पानी में, हमारे समुद्र में, और ये इससे बहुत प्रदूषण पैदा होता है। लोग जला देते हैं परेशान होकर क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स हमारे इम्प्रूव नहीं हुए। तो मैं एक्चुअली जानना चाहती हूँ कि इंदौर इतना मॉडर्न सिटी कैसे बना और कैसे आप लोग अपना वेस्ट मैनेज करते हैं, क्योंकि ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप लोग प्लास्टिक पैदा नहीं करते। मैं पैदा करते कहती हूँ क्योंकि जो भी हम खाते हैं घर ले आते हैं वो प्लास्टिक में ही पैकेज हो रहा है, तो वो जाता कहाँ है क्योंकि आपकी सड़कों पर जो नजर नहीं आता।